हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 15 बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि प्रो कबड्डी सीजन 10 ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं पहले कह दूं कंफर्म लिस्ट नहीं है, क्योंकि 15 बड़े प्लेयर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है जो ऑक्शन में देखने को मिल सकती है। मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया है और हाई चांसेस है कि वो हमें ऑक्शन में देखने को मिले। अब दो इशूज़ हो सकता है कि वो देखने को मिल रहे या फिर फॉर्म अच्छा ना हो लास्ट सीजन का, या फिर प्राइस का इशू हो कि ज़्यादा हाई प्राइस के कारण वो प्लेयर आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से मैंने 15 बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे नाम सामने लाया है जो हमें ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं, जिनका अच्छा खासा चांस है कि देखने को मिले। तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, तो सबसे पहले अभिषेक सिंह से स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक सिंह एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे रेडर माने जाते हैं, एक राइट रेडर है, लेकिन लास्ट सीज़न वो अभिषेक सिंह का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो लास्ट सीज़न का स्टैट्स आप देखो, 16 मैचेस में 56 रेड पॉइंट्स, सिर्फ एक सुपर 10 और एवरेज रेड पॉइंट सिर्फ 3.5 का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन परफॉर्मेंस था। इसीलिए कंफर्म है कि टाइटंस की टीम इनको रिलीज़ करेगी और ये हमें प्रो कबड्डी के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरे प्लेयर यहाँ पे बड़े प्लेयर है राहुल चौधरी। अब सो मैन राहुल चौधरी लास्ट सीज़न पिंक पैंथर्स की टीम में थे, वहाँ पर कुछ मैचेज़ में इनको मौका नहीं मिला। मैं सीधा कहूँ तो अर्जुन देसवाल को रेटिंग मिल रहा था, राहुल को जितना मौका मिला वहाँ पर डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिखाया। तो लास्ट सीज़न 21 मैचेज में 71 रेड पॉइंट्स, सिर्फ 2 सुपर 10 और उसमें से 3.3 एवरेज रेड पॉइंट्स है, लेकिन ऑक्शन में देखने का बहुत हाई चांस है क्योंकि पिंक पैंथर्स अर्जुन सुनील वगैरह को रिलीज करेगी साउथ को, तो राहुल चौधरी ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, इसके चांसेस हाई है। तीसरे प्लेयर यहाँ पे है सुरेंद्र सिंह, युमुम्बा के कैप्टन सुरेंद्र सिंह लास्ट सीज़न एक अच्छे प्लेयर में से माने जाते, अच्छे राइट कवर प्लेयर है, उससे पहले तेलुगु में थे, फिर मुंबई ने इनको वापस ख़रीदा। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लास्ट सीज़न का क्या सीन है इनका। लास्ट सीज़न ये टोटल खेले 12 मैचेस, वहाँ पे 35 टैकल पॉइंट्स था, एक हाई फाइव जड़ा और 2.9 यहाँ पे एवरेज टैकल पॉइंट्स इनका है पर मैच, तो ये एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, लेकिन ये ऑक्शन में जाएंगे क्योंकि युमुम्बा अपना जो डिफेंस का जो कोर है उसको चेंज करने वाली है, स्पेशली जो कवर्स का जो डुओ है उसको युमुम्बा डेफिनेटली चेंज कर सकती है, सुरेंद्र सिंह ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। पाँचवें प्लेयर यहाँ पे है मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, बंगाल वॉरियर्स के एक स्टार साबित हुए थे सीज़न एट में, अच्छा नहीं खेल डिसेंट खेले, फिर वो पुनेरी पलटन में आ गए फजल अतराचली के साथ, और लास्ट सीज़न के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, एक ऑलराउंडर है। तो लास्ट सीज़न का स्टैट्स 15 मैचेस में 36 टोटल पॉइंट्स सिर्फ हासिल कर पाए, कोई भी सुपर 10 हाई फाइव नहीं जड़ पाए और 2.4 इनका एवरेज पॉइंट्स है पर मैच, जो बहुत कम है। और नबी बख्श ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ये कंफर्म मान के चल सकते हो कि फजल को अगर रिटेन करना है तो नबी बख्श को छोड़ना होगा। अगले प्लेयर यहाँ पे दीपक निवास हुड्डा है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, लास्ट सीज़न जयपुर से वो चले गए बंगाल वॉरियर्स और वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस में बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और राहुल चौधरी ऑक्शन में, यहाँ पे राहुल चौधरी का ऐसे बात किया वैसे दीपक हुड्डा भी हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, और लास्ट सीज़न 17 मैचेज में सिर्फ 56 टोटल पॉइंट्स, एक भी हाई फाइव सुपर 10 नहीं जड़ पाए और 3.2 एवरेज पॉइंट्स था, जो कि बहुत कम है दीपक हुड्डा जैसे प्लेयर का, तो ये हमें ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे इस लिस्ट के 7वें प्लेयर हैं। आठवें प्लेयर कौन है? आठवें प्लेयर यहाँ पे है वी अजीत कुमार, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स में थे लास्ट सीज़न, एक अच्छे रेडर माने जाते हैं, यंगस्टर है और मुंबई के लिए, तमिल थलाईवास के लिए अच्छा कर चुके, जयपुर के लिए भी डिसेंट सा खेला था जितना मौका मिला, लेकिन बड़े प्लेयर्स को रिटेन करने के कारण ये हमें ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। और 21 मैचेस में 100 रेड पॉइंट स्कोर किया, जिसमें से 3 सुपर 10 और एवरेज रेड पॉइंट पर मैच 4.7 का है, थोड़ा सा कम एवरेज देखने को मिल रहा है, इसीलिए वी अजीत भी प्राइस के कारण हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट सीज़न को बहुत ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा गया था। अब अगले प्लेयर यहाँ पे रोहित गुलिया है। रोहित गुलिया एक बहुत अच्छे रेडर्स में से आते हैं, लास्ट सीज़न पटना ने सचिन तनवर के साथ इनका डुओ सेट करने के लिए इनको ऑक्शन में पिक किया था, लेकिन रोहित गुलिया कुछ मैचेस में अच्छा खेले फिर फॉर्म आया, आता जाता इनका सीज़न गया है। और रोहित गुलिया का लास्ट सीज़न का परफॉर्मेंस 19 मैचेस में 148 रेड पॉइंट्स है, जिसमें से 7 सुपर 10 है और 7.7 एवरेज रेड पॉइंट्स है, जो कि अच्छा माना जाता है, डिसेंट कह सकते हैं, लेकिन रोहित गुलिया को रिलीज़ करने का कारण है साधलु को रिटेन करना, और इनको आप वापस ले भी सकते हो लेकिन ये ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगले प्लेयर है सुरजीत नरवाल, सुरजीत सिंह नरवाल एक बहुत अच्छे राइट कवर्स में से एक है, लेकिन सुरजीत सिंह का लास्ट सीज़न मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था तेलुगु टाइटंस में,
मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ सुरजीत सिंह का क्या सीन है लास्ट सीजन का। तो सीजन 9 में ये कुल 13 मैचेस खेले जहाँ पे सिर्फ 17 टैकल पॉइंट्स, मुझे विश्वास अभी भी नहीं है, एक भी आई फाइव नहीं है, और 1.3 एवरेज टैकल पॉइंट जो कि बहुत ख़राब है, और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में अच्छा किया है, लेकिन टाइटन्स इनको डेफिनेटली रिलीज़ कर रही है, नई कोर बनाएगी, सुरजीत भी ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। अगले प्लेयर विशाल भारद्वाज है, एक बहुत अच्छे लेफ्ट कॉर्नर में से एक विशाल भारद्वाज भी टाइटन्स की टीम में थे, जहाँ पे मैं नहीं कहूँगा ख़राब परफॉर्मेंस किया था, डिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल था विशाल भारद्वाज का, सुपर टैकल्स के किंग बन गए थे टाइटन्स के लिए, और लास्ट सीजन इनके 19 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट्स था जिनमें से 2 हाई फाइव और एवरेज टैकल पॉइंट्स 2.3 का था। बहुत सारे मैचेस में ये बीच में सब्स्टिट्यूशन में आते थे, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन टाइटन्स परवेश वगैरह को रिटेन करेगी तो भारद्वाज भी ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, तो ये एक बड़ा कारण है। अगले प्लेयर यहाँ पे मंजीत दाहिया है। अब मंजीत दाहिया का जब भी बात करते तो हमें याद आता है पुनेरी पलटन का दाहिया जो बहुत अच्छा करते थे, फिर हरियाणा में आए लास्ट सीज़न और हरियाणा स्टीलर्स में परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा था मैं कह सकता हूँ, लेकिन बीच में उतना अच्छा नहीं चले और मनप्रीत सर का जब टेंशन बढ़ गया था कि ये इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बाद में 22 मैचेस में 149 पॉइंट्स, 6 सुपर टेन और 6.7 एवरेज रेट पॉइंट्स। तो मंजीत दाहिया का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और इनको रिलीज़ करना हरियाणा के लिए समझदारी का काम हो सकता है, बाद में FBM कार्ड आप यूज़ कर सकते हो इन पे। अगले प्लेयर गुमान सिंह है, इनका भी सेम रीज़न है हाई प्राइस, लास्ट सीज़न ऑक्शन में 1 करोड़ से ऊपर बिके थे गुमान सिंह, मुझे याद है 1.1 या 1.2 करोड़ में सोल्ड हुए थे, और गुमान सिंह एक बहुत ही अच्छे रेडर में से आते हैं, लेकिन इनको इंजरी हो गई थी, लेकिन इंजरी के बाद ही अच्छा कमबैक किया, 18 मैचेस में 137 रेट पॉइंट लास्ट सीजन, जिनमें से 7 सुपर 10 और 7.6 एवरेज रेट पॉइंट्स जो कि डिसेंट है, लेकिन गुमान सिंह का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए युमुम्बा को इनको मजबूरी में रिलीज़ करना पड़ेगा, और ऑक्शन में सस्ते में अगर मिल गए तो इनको FBM यूज़ कर सकती है। अगले एक बड़े नाम है सुरेंद्र गिल, यूपी योद्धा के हर बार RYP कैटेगरी से रिटेन होते हैं 2-3 सीजन से, लेकिन लास्ट सीजन सुरेंद्र गिल का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, अच्छा खेले हैं, डिसेंट प्रदीप का साथ भी अच्छा दिया है, इनका पहले परफॉर्मेंस जान लेते हैं, लास्ट सीजन 14 मुकाबलों में 140 रेट पॉइंट जिनमें से 8 सुपर 10 जड़ा और 10 का एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है प्रो कबड्डी में, लेकिन इनको रिलीज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये कि हर कैटेगरी से 2 प्लेयर्स ही रिटेन हो सकते हैं, तो कैटेगरी ए में प्रदीप और सुमित का भी नाम सामने, तो सुरेंद्र गिल का चांस थोड़ा हाई है ऑक्शन में जाने का, क्योंकि यूपी प्रदीप को तो रिटेन करेगी साथ ही में सुमित को भी कर सकती है, तो सुरेंद्र गिल को ऑक्शन में भेज सकते हैं और वहाँ पे FBM कार्ड आपके पास रहने वाला है, तो ये भी ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सचिन तनवर पे आते हैं, सचिन तनवर पटना पायलट से 2 सीज़न से खेल रहे, गुजरात में इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छे प्लेयर है और लास्ट सीज़न भी अच्छा खेले, डिसेंट नहीं अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, तो इनका पहले स्टैट्स पे आते हैं लास्ट सीज़न का, तो सचिन तनवर कुल लास्ट सीज़न में 20 मैचेस में 176 रेट पॉइंट जिनमें से 8 सुपर 10 और एवरेज रेट पॉइंट्स 8.8 है जो बहुत अच्छा कह सकते हैं, लेकिन इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो पटना का समझदारी है कि इनको ऑक्शन में भेज के कम प्राइस में मिल जाए, वहाँ पे अपना FBM कार्ड दिखा के इनको ले लिया जाए। उसके बाद पवन सहरावत इस लिस्ट में 14वें नाम, आप किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो, पवन सहरावत ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक अपडेट आया है कि अभी कुछ सोर्सेज का ये मानना है कि 2.26 करोड़ में ये लास्ट सीजन सोल्ड हुए थे, तो रूल है 15% इंक्रीमेंट करने का, लेकिन इस बार ये कैटेगरी ए से बी में आ गए तो उनका क्योंकि खेल नहीं पाए थे लास्ट सीजन, तो 20 लाख का बेस प्राइस होगा, और अगर थालाईबाज इनको रिटेन करना चाहती है तो इनका रिटेंशन प्राइस दिखाया जा रहा है 37 के अराउंड जहाँ तक मुझे पता है, पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं है इस अपडेट पर। अगर ये अपडेट सही है, कुछ अलग कुछ रूल आया प्रो कबड्डी में, तब उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन 2.26 करोड़ का 15% अगर आप करो, अगर ना भी करो ना, तब भी पवन हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर कुछ चेंजेस हो जाए, मतलब अगर कुछ प्रो कबड्डी के रूल्स में चेंज आ जाए कि कम प्राइस में कर ले रिटर्न, ऐसा मुझे नहीं लगता हो सकता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो पवन शायद मतलब 1% से लेकर 5% चांस ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है पवन हमें डेफिनेटली ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट सीजन पवन का स्टैट जान ले, तो एक मैच में सिर्फ 1 रेड पॉइंट्स, अब सिर्फ नहीं कहूँगा कि खेल ही नहीं पाए थे, ये पहले मैच में इंजर्ड हो गए, बोनस लिए फिर इंजर्ड हो गए थे, टैकल में मौजूद थे तो वहाँ पे इनको चोट लगी और ये पूरे सीज़न से रूल आउट हो गए। अभी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में अच्छा कमबैक किया है और वहाँ बहुत अच्छा खेले और लेकिन ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, इसका चांस बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद हम मैंने रखा है विकास कंडोला, ये हमारे लास्ट लिस्ट में इस लिस्ट के लास्ट प्लेयर है। विकास कंडोला एक बहुत बड़े प्लेयर है, लास्ट सीज़न रणधीर शर ने विकास कंडोला को पिक किया
रहा था कि वो पवन से पहले आ गए थे ऑक्शन में, और विकास कंडोला की बहुत ज़्यादा उम्मीद हम सब फैंस को थी, लेकिन पवन का कमी को क्या पूरा कर सकते हैं। इनका सीज़न 24 मैचेस में 135 रेट पॉइंट, जिनमें से 4 सुपर 10 है, और एवरेज रेट पॉइंट्स 5.6 का है, जो बहुत कम हो गया था। विकास कंडोला बहुत हाई प्लेयर माने जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर में से एक आते हैं प्रो कबड्डी में, लेकिन लास्ट सीज़न डिसेंट सा सीज़न गया, बाद में अच्छा खेले थे, लेकिन कोच साहब का विश्वास को नहीं जीत पाया अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ। और जिस प्राइस में इनको ख़रीदा गया था 1.7 करोड़, जो हम सबको शौक लगा था, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने एक्सपेक्ट किया था 90 लाख तक सोल्ड हो जाए, लेकिन 1.7 करोड़ तक इनका बिड चला गया और पुल्स ने इनको ख़रीद लिया। लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था, तो इनका भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये भी रिलीज होंगे। अगर वो रूल आता है कि कम पैसे में रिटेन करना, वो मुझे ऐसा नहीं लगता होगा तब अलग सीन है, लेकिन बुल्स इनको रिलीज कर रहे हैं क्योंकि बुल्स को भरत और सौरभ नांदल को रिटेन करना है। तो ये मैंने आपको 15 बड़े प्लेयर्स के नाम बताए जो ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका फॉर्म अच्छा नहीं था, जिनका नाम मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जैसे नीरज कुमार हो गए, और भी प्लेयर्स हो गए, सजीन हो गए, संकेत सावंत हो गए, इन पे मैं बात नहीं किया क्योंकि मुझे 15 बड़े प्लेयर्स को कवर करना था, इसीलिए मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पाया। तो ये 15 बिग प्लेयर्स का नाम था जो ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। मैं अभी भी कह लूँ कन्फर्म नहीं है, ये कोई फेक वीडियो भी नहीं है, ये सिर्फ उनके स्टैट्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके लाइक कर सकते हो अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को कबड्डी अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप हम सबके लिए है, जहाँ पे हर एक अपडेट्स आपको प्रो कबड्डी के लिए रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। और पुनेरी पलटन पे मैं अगर आऊँ तो आज फ्रेंडशिप डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबसे पहले, और पुनेरी पलटन आज अपना पहला रिटेंशन अनाउंस करने वाली थी 11 बजे, तो फ्रेंडशिप डे के दिन आज उन्होंने अप्रैल फुल डे समझ के उन्होंने एक पोस्ट किया है, जहाँ पे मतलब फर्स्ट रिटेंशन शेरा, अब शेरा मतलब होता है जो शेर होते हैं पुनेरी पलटन के, जो रोर करते हैं, उनका फोटो डाला गया है। तो ऐसा कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया रिटेंशन का, बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा पुनेरी पलटन का, तो मैं कवर कर लूँगा। वैसे कल पिंक पैंथर्स अपने रिटेन प्लेयर्स का नाम अनाउंस करने वाली है, तो जैसे अपडेट आता है मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म करूँगा, और बहुत जल्द आपको वीडियोज़ भी ऐसे ही देखते को मिलते रहेंगे जैसे रिटेंशन पर अपडेट आता है। और युमुम्बा का जो हमें इंतज़ार है हेड कोच का, 9 अगस्त में हमें एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिख जाएगा कि कौन हेड कोच रहने वाले। इस वीडियो में इतना ही, आपको कैसा लगा आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो कबड्डी अपडेट्स के लिए, हर अपडेट्स टेलीग्राम में सबसे पहले कबड्डी के पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। इस वीडियो को एंड करते हैं।